वेलकम टू डेली न्यूज़ 24। सीएल ससुराल सिमर कटू के आने वाले एपिसोड में आपको काफ़ी बड़े इंटरेस्टिंग ट्यूज देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि जहां एक तरफ उस वाले परिवार में गणेश पूजा की तैयारियां देखने को मिलेगी, गणेश पूजा की धूम देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ गीतांजलि देवी देगी सिमर को काफ़ी बड़ी सजा। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर आप देखेंगे गीतांजलि देवी सिमर को गणेश पूजा की तैयारी करने की सारी जिम्मेदारी तो दे देती है, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर गीतांजलि देवी सिमर से बोल देती है कि अगर तैयारियों में कोई भी गड़बड़ हुई तो वो जो चाहे वो उसे सजा देंगी। और यहाँ पर सिमर गीतांजलि देवी की इन बातों को मानने के लिए तैयार भी हो जाती है और सारी जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर ले लेती है। लेकिन इसी के बाद यहाँ पर सिमर सारी तैयारियाँ कर देती है और सभी उसकी तैयारियों से काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं। यहाँ पर गीतांजलि देवी को भी सिमर की हुई तैयारियाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन इसी के बाद यहाँ पर जब गणेश पूजा की शुरुआत होती है, सिमर और अब दोनों मिलकर मूर्ति की स्थापना करते हैं और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा ढोल नगाड़े पर डांस करते हुए नजर आते हैं और आरव और सिमर एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश नजर आते हैं। लेकिन इसी के बाद यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि तभी अचानक गणेश मूर्ति पर से कपड़ा हटने लगता है और ये देखकर कपड़ा ना हटे सिमर तुरंत वो कपड़ा पकड़ने चली जाती है ताकि मूर्ति पर से पूजा से पहले कपड़ा ना हटे। लेकिन यहाँ पर गीतांजलि देवी इसी बात के लिए सिमर पर गुस्सा करने लगती है और सभी के सामने सिमर को खूब बेइज्जत करती है, जो कि आरव को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। इसी के साथ यहाँ पर गीतांजलि देवी सिमर को ये भी याद दिलाती है कि उसने पहले कहा था कि अगर तैयारियों में कोई भी गड़बड़ हुई तो वो उसे सजा देंगी। और यहाँ पर गीतांजलि देवी की बातें सुनकर आरव काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब ऐसे में यहाँ पर देखना दिलचस्प होने वाला है आखिर वो कौन सी सजा देने वाली है सिमर को, देखना दिलचस्प होगा। सीरियल ससुराल सिमर कटू से जुड़े ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूलें।